नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। ये है गांव रसूलपुर जाटान। जी हां, जनपद मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना, ग्राम पंचायत रसूलपुर जाटान। यहां विकास कार्य हो रहा है, गांव का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। यहां के नव निर्वाचित प्रधान जसवंत सिंह बालियान दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। स्कूल, अस्पताल जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं गाँव में ही उपलब्ध करा रहे हैं। कोविड-19 से बचने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर की अग्रणी सामाजिक संस्था धनी फाउंडेशन भी प्रधान जी का सहयोग कर रही है। कागड़ा, डूंगरपुर, रसूलपुर आदि ग्रामों में संस्था की ओर से किट बांटी जा रही है। संवाददाता शाहिद अब्बासी ने ग्राम पंचायत रसूलपुर पहुंचकर कवर की ये स्टोरी। आइए करते हैं यहां के कुछ बाशिंदों व प्रधान जसवंत बालियान से बात। बिल्कुल जी, शमशान घाट यहाँ इस गाँव में था नहीं, तो वो बहुत परेशान थे। वो कहते थे कि कभी भी बारिश आ जाती है और हमारा कोई डेथ हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसमें हमें इतनी परेशानी होती है। कई बार हमें बारिश आ गई ऊपर से और हमारा जो डेड बॉडी थी वो भी भीग गई। ऐसा है, तो इसलिए मैं उनका ये शमशान। कौन से किन लोगों का है? वाल्मीकि का, वाल्मीकि समाज। ठीक। आपका नाम? राजपाल सिंह। कौन से गांव में रहते हैं आप? सूरपुर जाटान। ये बताइए, यहाँ पर कार्य योजना में काफी आपकी जानकारी में काफी बार योजना आ गई, कैसा काम होता है यहाँ पर? 80 साल की उम्र मेरी भी है। ऐसा काम हुआ है जैसे प्रधान जी जसवंत सिंह बालियान जी सुनने में आता है। उम्र मेरी भी होगी, बहुत प्रधान जी जितना। सौरभ बालियान जी, बताइए यहाँ पर प्रधान कौन से गाँव में है? जी रसूलपुर जाटान में जसवंत सिंह प्रधान है जी, जसवंत सिंह बालियान। बहुत बढ़िया, गांव के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं। गांव में होते सार शपथ लेने से पहले गांव की साफ सफाई करवाई, पूरे गांव की सैनिटाइज करवा, गांव में कोरोना किट बांटी। बल्कि गांव में नहीं, 3 गांव में, डिंकरपुर, काकड़ा और गढ़ी में भी अपने ही उससे किट बांटी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम। चाचा जी मार तो सके वे। अच्छा, हाँ जी प्रधान जी, बढ़िया काम। और काम तो सब गाँव में, आज लोग किसी प्रधान ने शायद ना करा कोई। अशोक कुमार जी, कहाँ रहते हैं आप? गाँव में। कौन से गाँव में? रसूलपुर में, रसूलपुर जाटियान। ये बताइए, यहाँ पर शमशान घाट जो है, यहाँ पर कुछ मरम्मत के काम हैं और कुछ काम कराया है कौन से प्रधान जी ने कराया है? ये प्रधान जी ने नहीं करवाया, ये इसने करवाया, जो सब जगह जसवंत सिंह। आइए, आपका नाम? एतवारनाथ। एतवारनाथ, ये बताइए, आप वो करते हैं पंडित जी हैं रसूलपुर? रसूलपुर में जो मंदिर बनवाया है वो कौन प्रधान जी ने बनवाया है? हाँ, प्रधान ने बनवाया। क्या नाम है उनका? डीएम। डीएम कहते हैं? हाँ। जो बालियान के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, डीएम। उन्होंने काफी मदद इसमें कराई है, चुनाव जीतने से पहले ये सब छत वगैरह उन्होंने डलवाई। अच्छा, उन्होंने करवाया था। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर मंदिर की देखभाल करते हैं पंडित जी हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या कोई दिक्कत है प्रधान जी से आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग की मदद करते हैं। ठीक। रुपए की दवा है, पूरा तो काम नहीं छोड़ दिया। कौन से गांव? पूरे काकड़े, मकू, दिनकरपुर, चांदपुर, 5-4 गांवों में तो दवा छिड़क दी। जो रास्ता, ये सारे गांव में कोई तो रास्ते साफ करवाए, इस रास्ते में तो 50 बुग्गी तो घर लिख रहा, जो ढाई गिरवा बगल, कई दिन मजदूर ट्रैक्टर ट्रोली रही, पूरे गांव में कोई सफाई करी रस्तों की। किन्होंने करवाई है सब कुछ? तो कोई 5 साल में भी नहीं कर सकता प्रधान जी, नहीं मिले तो खत्ता भी नहीं खुले। अरे ये तो बताइए, तो देख लो, ये बताइए किसने कराई है? किसने कराई? प्रधान ने। क्या नाम है प्रधान जी के? जसवंत सिंह ने। जसवंत ने, बालियान जी ने काम जो था जसवंत ने मिलो कर दिया। तो आपको क्या है, अच्छा लग रहा है गाँव में? पूरा सुंदरीकरण हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? जसवीर सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे गांव के बारे में? कैसे विकास कार्य पहले भी हुआ है, काफी प्रधान रह चुके हैं पद पर, और इस गांव की हमने गरिमा देखी है, तो कोई इसमें सुंदरीकरण नहीं हुआ है उससे पहले। ये बताइए, जो नए प्रधान जीते हैं उनका नाम हम नहीं जानते हैं, आप बताइए क्या नाम है? जसवंत सिंह बालियान। अच्छा, ये बताइए आखिर उनको ऐसे इस गांव से लगाव किस लिए? क्योंकि वो यहाँ के यहीं पे रहने वाले थे, बचपना यहीं पे बीता उनका, और आज वो दिल्ली चले गए, तो उसके बाद में दिल्ली से वापस मुजफ्फरनगर के रसूलपुर जाटाउन गांव में आए हैं दोबारा, और 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों ने बताया हमको। तो ये बताइए, जीतने से पहले ही इतना क्या क्या कार्य कराया उन्होंने? अजी कार्य तो इनके इतने हैं और गिना में तो कहने का मतलब टाइम लगेगा।
और हम एक चीज सुनो, हम एक चीज कहते हैं कि उन्होंने इतने काम किए कि तो गांव में जब से आए हैं और प्रधानी की वो शपथ भी ले रहे, उससे पहले भी गांव का कोई मुकदमा ये जाना नहीं चाहते, मतलब वहाँ थाने तहसील जाओ, ये चाहते हैं कि यहीं पे चीज का निस्तारण हो और हमारे हमारे गांव के लोग किसी भी तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटें और हाँ। किसी तरीके से थानों में प्रवेश ना हो हाँ। और किसी भी तरीके से कोई दुर्गति इनकी ना हो पाए, इनका ऐसा हाँ। अपना सुझाव है हाँ। आपका ये कहना है गांव को साफ सुथरा और अच्छा, इन्होंने गांव की सफाई में भी कहने का मतलब इतना काम किया कि प्रधान बनते के साथ ही अपनी जेब से 16-18 हज़ार रुपए देकर गांव की सफाई करा दी, गांव नाड़ियों की जो पिछले उसको करना था पिछले उसको तो कुछ भी नहीं कर पाए, क्यों भिंतों पर लिख दिया कि सांसद आदर्श ग्राम, यानी कोई भिंत पे लिखने तो थोड़ा आदर्श हो जाएगा, ये सब चीजें इन्होंने अपने उसमें लेकर अच्छा ही कर रहे, बहुत बढ़िया कर रहे। गरीब आदमी को एक गरीब आदमी को नुचा कि भाई ये कोर्ट कचहरी ना जा, ठीक है तो ये इनकी है जी। प्रधान जी बताइए जसवंत बालियान जी, यहाँ अब सौंदर्यकरण किस चीज़ का करा रहे हैं आप गांव में? ये एक स्मॉल टाइप नर्सिंग होम है जिसमें पहले ANM बैठती थी, अब तो 30 साल से डंप पड़ा था। अच्छा अच्छा 30 साल से कोई काम नहीं हो रहा था, ये वैसे ही था, इसमें कोशिश करूँगा कि भाई इसका थोड़ा सा रिपेयर वगैरह करा के इसमें सब कुछ काम करा के, और ANM बैठने लगे और कभी डॉक्टर भी बैठने लगे रात रात के लिए। कौन से गाँव में? रसूलपुर जाटान में। अच्छा कौन से किस जगह बना रहे हैं? ये प्राइमरी स्कूल के बिल्कुल साइड में। अच्छा अच्छा, जो गांव की समस्या ना हो सके इसलिए डॉक्टर लोग बैठने लगे हैं। बैठने लगा, रात को हमारे बच्चे, रात को लेडीज वगैरह बीमार हो जाती है। अच्छा अच्छा, लेडीज बीमार हो जाती है तो वहाँ जाना पड़ता है बहुत दूर शाहपुर वगैरह, तो मैं सोच रहा हूँ भाई यहीं काम हो जाए, किसी को रात को परेशानी ना हो, रात के लिए बहुत जरूरी है लेडीज और बच्चों के लिए। अच्छा इसके इसके अलावा आपने क्या क्या कराया यहाँ पर जो जनता के लिए, जो गांव के लोगों के लिए? मैंने सारे जितने भी अपने धार्मिक स्थल थे उनमें अच्छा रिपेयर कराया, उसमें टाइल लगवाई, पत्थर लगवाए, कहीं एक हरिजन का मंदिर, वाल्मीकि का मंदिर बनवाया। अच्छा अच्छा, शमशान घाट में थोड़ा काम कराया, आगे की दीवार और 24 फुट का। अच्छे बताइए आपने अपनी, अभी तो आप जीते हैं, जीतने से पहले ही आपने इतना कुछ करा दिया है गांव में, कार्य योजना के बाद तो आप इसको सौंदर्यकरण पूरे गांव को ऐसा बना देंगे कि बड़ा अच्छा। मेरा जन सहयोग के हिसाब से, जन सहयोग लेकर मैं अपने गाँव को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि भाई काफ़ी लोग बिल्कुल इम्प्रेस हो जाए, काफ़ी लोग दूसरे बाहर से जो आवे देखने से पता लगे ये रसूलपुर जाटान है। ठीक, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जो मैं दवाई बांट रहा हूँ सारे गांवों में, वो जो आई की दवाई बांट रहा हूँ वो इम्यूनिटी की। अच्छा, इम्यूनिटी बढ़ने की दवाई बांट रहा हूँ, उसमें पैरासीटामोल भी है जिसमें कोई बुखार बुखार आ जाए तो दे दे, और ये धानी फाउंडेशन के कुछ सौजन्य से हो रहा है काम। धानी फाउंडेशन, धानी फाउंडेशन। अच्छा अच्छा, यहाँ पर किसके सौजन्य से? जिले में, जिले में मुजफ्फरनगर में, वो तो जसवंत सिंह बालियान। अच्छा, जसवंत सिंह बालियान जी के जनपद में हाँ। मुजफ्फरनगर में उनके सौजन्य से धानी हाँ। और धानी फाउंडेशन का सहयोग है, ये धानी फाउंडेशन की तरफ से।